उत्तराखंड में हुए लोकसभा और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ एक पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसके अंदर समस्त पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाल ही के अंदर आपको बता दें कि मंगलौर लोकसभा से विधानसभा की सीट से बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ से बीएसपी ने जीत हासिल की थी और बीएसपी के जो विधायक थे उनके निधन होने की वजह से ये सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीएसपी ने अपने विधायक के बेटे को ही टिकट देकर मैदान में उतारा, जिनकी पूरी तरीके से शिकस्त हुई। इस मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने एक बैठक आयोजित की और इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से इस मामले में कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार की गलत नीतियां और द्वेषपूर्ण कार्यकारी आदि से लोग त्रस्त होकर, जिसको लेकर जनता जागरूक करना चाहती थी, कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि से त्रस्त जीवन का सामना नहीं है, बल्कि बहुजनों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दिल्ली में अपने पार्टी के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक आयोजित करके ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तमाम बड़े पदाधिकारियों, छोटे पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई और इस बैठक के अंदर अहम निर्णय भी लिए गए, साथ ही चुनाव के परिणामों के नतीजों के ऊपर भी चर्चा की गई और जनता के लिए यह कहा गया कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों आपकी भला नहीं कर सकती, आप लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनावों पर भी काफी ज्यादा निगाहें सभी राजनीतिक पार्टियों की।